हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लूडो सुप्रीम गोल्ड में अपनी यूपीआई आईडी को कैसे डिलीट करें। तो दोस्तों, जब भी आप ऐप ओपन करते हो तो वहां पे आपको यूपीआई आईडी ऐड करने का ऑप्शन दिखता है, लेकिन डिलीट करने का, रिमूव करने का वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। पूरे ऐप में अगर आप चेक कर लोगे तो भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा यूपीआई आईडी डिलीट करने का। तो कैसे आपको ये अपनी यूपीआई आईडी को डिलीट करना है लूडो सुप्रीम गोल्ड में, यही आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे आपको जीमेल ओपन करना है और एक ईमेल लिख के सेंड करना है, उसके बाद आपकी यूपीआई आईडी होगी डिलीट। तो यहाँ पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, तो आपको भी सेम प्रोसीजर इधर फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पे नेम का कॉलम लिखना है, और नेम के कॉलम में आपको अपना नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस देके आपको नंबर का कॉलम लिखना है। नंबर के कॉलम में आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर लिख देना है। फिर स्पेस देके आपको रिक्वेस्ट का कॉलम लिखना है। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ वही सेम टू सेम आपको कॉपी करके लिख लेना है। एकदम इजी और सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लीज़ डिलीट माय यूपीआई आईडी इन लूडो सुप्रीम गोल्ड। इतना आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट के कॉलम में लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको ऊपर सब्जेक्ट कॉलम दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको लिखना है यूपीआई आईडी डिलीट रिक्वेस्ट इन लूडो सुप्रीम गोल्ड। इतना आपको सब्जेक्ट के कॉलम में लिख देना है। फिर सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको जीमेल आईडी का कॉलम दिख रहा है, तो ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी लूडो सुप्रीम गोल्ड की जीमेल आईडी, तो वहाँ से कॉपी करके इधर पर आपको पेस्ट कर देना है। और उसके बाद आपको अपना ईमेल अच्छे से चेक कर लेना है, जो भी आपने लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होनी चाहिए, और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना ईमेल सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट रिप्लाई का वेट करना है। फिर आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, और 48 आवर्स में आपका यूपीआई आईडी डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से रिप्लाई आने के बाद आपको अपने ऐप की सेटिंग में जाना है, और वहाँ पे अपने लूडो सुप्रीम गोल्ड का डेटा क्लियर करना है। और उसके बाद आप जब चेक करोगे तो जो यूपीआई आईडी है वो डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है लूडो सुप्रीम गोल्ड का यूपीआई आईडी कैसे डिलीट करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।